तो गाइस आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में दीवार से आर पार जाने वाले जिस वीडियो को देखा गाइस, मैं आज आपको कुछ इस तरह का वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ। तो यार मैं आपको बता दूं कि इस तरह का वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। आपका दोस्तों जो मोबाइल के एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर, आप उसी की हेल्प से कुछ इस तरह का वीडियो आप बना सकते हो। तो यार इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों स्टेप वन पे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लेनी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैं जिस प्रकार से दिखा रहा हूँ सेम टू सेम आप कुछ इस तरह से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको स्टेप टू में आप दोस्तों जो यहाँ पे टी शर्ट और पैंट पहने हैं उसको फ्रेंड्स आपको निकाल लेनी होगी और उसको दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से फेंक के आपको एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लेनी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों एक्टिंग का जिस प्रकार से आपको दिखाया है सेम टू सेम आप कुछ इस तरह से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो वन एंड ओनली एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर, उसको बस आपको ओपन करना है। तो यार चलिए अपने काइन मास्टर को आप ओपन कीजिए, मैं जाकर आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो मेरा स्मार्टफोन के काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैं यहाँ पर ओपन करके रखा हूँ। अब आपको बीच में यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस वाले न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पर गाइस आप जिस एक्सपेक्ट रेशियो में दोस्तों आप वीडियो बनाना चाहते हो, आप उस वाले एक्सपेक्ट रेशियो को दोस्तों आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। मैं दोस्तों आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 16:9 एक्सपेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके मेरा जो काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। अब आपको राइट साइड में जो मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, आपको इस वाले मीडिया पर क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा और यहाँ से आपको जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद गाइस अभी आपको अपना वीडियो को प्ले करना है और प्ले करके दोस्तों जहाँ पर आप दीवार पर कुछ इस तरह से गाइस टकरा रहे हो इस जगह को आपको आना होगा। आने के बाद आपको उसी फाइल में कुछ इस तरह से क्लिक करना है और आपको ऊपर में जो सीजर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले सीजर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस साइड का जो पार्ट है इसको आपको हटा लेनी है। अब दोस्तों आपको राइट साइड में जो मीडिया का ऑप्शन है आपको इसी वाले मीडिया पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा और यहाँ से आपका जो सेकंड रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो मेरा सेकंड रिकॉर्डिंग किया वीडियो उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको अपने सेकंड रिकॉर्डिंग किया वीडियो में फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद गाइस आप अपना वीडियो को प्ले कीजिएगा और प्ले करके दोस्तों जहाँ फ्रेंड्स आपका जो टी शर्ट और यह जहाँ पर दीवार पर आपको टकरा रहा है उस जगह फ्रेंड्स आपको आना है कुछ इस तरह से। आने के बाद दोस्तों आपको उसी फाइल में क्लिक करना होगा और ऊपर में जो सीजर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले सीजर में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पे आगे का हिस्सा को कुछ इस तरह से हटा लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका वीडियो जो है गाइस यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब दोस्तों आप जो भी ऑडियो आप वहाँ पर लगाना चाहते हो आप लगा लीजिएगा। लगा लेने के बाद अब अगर अपना वीडियो को प्ले करके आप देखते हो तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हैं। तो यार इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके कुछ इस तरह का दोस्तों दीवार से आर पार जाने वाली वीडियो आप बना सकते हो। अब आपको जो ये शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेनी होगी। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप वहाँ पर ऑल सिलेक्ट कर ले। अब दोस्तों बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं। बाय बाय।